अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नेम्स लहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में वोकैबुलरी 6 करने जा रहे हैं। इसमें हमने चंद ऐसे वर्ड्स का इंतखाब किया है जो किसी की शख्सियत के जो मनफी पहलू हैं उनको बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी के लेक्चर 3 में भी आप कुछ ऐसे वर्ड्स कर चुके हैं, लेकिन वो पॉजिटिव पर्सनैलिटी एडजेक्टिव थे, यानी कि किसी की शख्सियत की खूबियाँ बयान करने के लिए, जबकि आज वाले जो वर्ड्स हैं वो किसी की शख्सियत की जो खामियां हैं उनको बयान करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आज हमारे पास जो पहला लफ्ज़ है वोकैबुलरी 6 का वो क्या है। तो पहला लफ्ज़ हमारे पास है कैलस। कैलस का मतलब होता है संग दिल। इसको देखिए सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। कैलस पीपल डू नॉट हैव सिंपथी फॉर अदर्स, कि जो संग दिल लोग हैं उनके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी नहीं होती। सेकंड वर्ड देखिए डिसीटफुल। डिसीटफुल का मतलब होता है दगाबाज, धोखेबाज। इसको सेंटेंस में देखें हम कैसे यूज़ करेंगे। बिवेयर ऑफ डिसीटफुल पीपल, धोखेबाज लोगों से बचकर रहे। बिवेयर का मतलब होता है आगाह रहना और ऑफ इसकी प्रेपोजिशन है। यूँ ये सेंटेंस बन जाएगा, बिवेयर ऑफ डिसीटफुल पीपल, जो धोखेबाज लोग हैं उनसे बचकर रहिए। नेक्स्ट वर्ड आज का देखिए वीक विल्ड। वीक विल्ड का मतलब होता है कमज़ोर इरादे वाला इंसान, या कमज़ोर कुव्वते इरादे वाला, या कमज़ोर इरादे वाली। इसको देखिए सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। ही इज़ अ वीक विल्ड पर्सन, वो एक कमज़ोर कुव्वते इरादे वाला इंसान है। आज के लेक्चर का फोर्थ वर्ड जो हमने सेलेक्ट किया है वो देखिए क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड का मतलब होता है जल्द गुस्से में आ जाने वाला या जल्द गुस्से में आ जाने वाली। इसको सेंटेंस में देखें हम कैसे यूज़ करेंगे। हिज ग्रैंड मदर इज़ अ क्विक टेम्पर्ड वुमन, उसकी जो दादी हैं जल्द गुस्से में आ जाने वाली खातून है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा लास्ट वर्ड है माइजरली। माइजरली का मतलब होता है कंजूस। माइजरली पीपल लव मनी अलॉट, कंजूस लोग दौलत से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखे जो 5 एडजेक्टिव्स थे, नेगेटिव पर्सनालिटी एडजेक्टिव्स थे, कि इनके मीनिंग्स क्या होते हैं और इनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इनके आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ जो वोकैबुलरी का लेक्चर 3 है जिसमें हमने पॉजिटिव पर्सनालिटी एडजेक्टिव्स किए थे, उनकी भी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप इनके वर्ड्स के स्पेलिंग देखिए, साथ ही इनके मीनिंग्स देखिए, और साथ ये भी देखें कि इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसकी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।